ये कहानी फ्री फायर के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में 100-200 लोग ही रहते थे। उस गांव में एडम नाम का एक लड़का भी रहता था, जो काफी घूमता फिरता रहता था। आसपास के जंगलों में जाके वो आम, बेर और जामुन लाया करता था, और उसकी ये आदत लगभग गांव के हर आदमी को पता थी। एक दिन वो हमेशा की तरह बारिश के दिनों में जामुन लेने के लिए जंगल में चला गया, और बहुत सारे जामुन वो घर लेके आ गया। घर में और गांव में भी सभी को वो जामुन देता था। उस रात कुछ यूं हुआ कि अचानक से रात के 1 बजे एडम बिस्तर से उठकर जंगल की ओर जाने लगा। घर में उसकी माँ को दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई थी, पर उसकी मम्मी को ये लगा कि शायद एडम टॉयलेट करने के लिए उठा होगा, इसलिए वह वापस से सो गई। लेकिन एडम की मम्मी को जब एडम के वापस आने की आवाज सुनाई नहीं दी, तो एडम की मम्मी ने एडम के पापा को सब कुछ बताया।